लीजिए छात्रों, कक्षा 9वीं का गणित का पूरा रियल क्वेश्चंस पेपर जो आप लोगों के पेपर में सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि पेपर जो आ चुका है और उसका हम लोग फोटो वगैरह आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अभी जस्ट खींचे हैं और आपको मेरा हाथ वगैरह सब कुछ दिख ही रहा होगा। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और आपको मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है। और लास्ट तक ज़रूर से देख लीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं जो कि यार आपको जो भी लगता होगा ऐसा मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। तो आपको बहुत सारे यूट्यूब पे फेक पेपर भी पड़े हुए हैं, तो यार आपको जो अच्छा लगे उसी को देखिए। तो एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ कि यार यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन पूरे का पूरा फेक हैं, ये 100% गारंटी के साथ रख लो, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ पूरे क्वेश्चन को कर लो, 100% है यार, 75 में 70 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, लिख के रख लो। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे बिंदु 2, -1 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में, तो चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश में, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोग का आ जाता है y = 3x + 5 का अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है, इसको भी आपको देख लेना है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण होता है बहुलक होता है, क्या होता है, बहुलक। किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार डैश डैश होता है। रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात डैश डैश होती है। मूल बिंदु के निर्देशांक डैश डैश होते हैं। और समीकरण x = a का आलेख y अक्ष के डैश डैश एक सरल रेखा होता है। त्रिभुज की बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण डैश डैश होते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश डैश कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग आ जाएंगे जोड़ी में। जोड़ी में आपको देखना है आयत है, एक आयत एक आपका चतुर्भुज है, y अक्ष पर स्थित 0.3, ठीक है। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो इसका हो जाएगा वर्ग चिन्ह। और ठोस आवृत्ति का उदाहरण, ठोस आवृत्ति का उदाहरण बेलन हो जाएगा, क्योंकि वो ठोस होता है, आवृत्ति होती है, बेलन होता है, बेलनाकार होता है, तो ठोस होता है, उसको एक चोट घुमा फिरा दो कोई दिक्कत नहीं होता है। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका आपका हो जाएगा 5वें नंबर का ए वाला, ठीक है, √3/4 a² ठीक है। और उसके बाद समीकरण 4x + 3y = 12 का एक हल, तो इसका आपका हो जाएगा 6ठे नंबर का ए वाला 0.4, ठीक है, इसका राइट आंसर। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे देख लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी क्वेश्चंस को मैं आपको कराया हूँ ना पूरे क्वेश्चंस को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आपका जो भी ये विकल्प वगैरह हैं, ठीक है, तो सबका आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सबके क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर आ जाता है, तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, तो इसका भी बता देना है। उसके बाद में एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, जो एक घात का होता है बहुपद, ठीक है, मतलब एक्स के घात है, मतलब एक एक तो लिखा नहीं जाता, बस साइलेंट होता है एक्स के, इस घात को क्या कहते हैं, इसको बताना आपको। उसके बाद में 2x + 3y = 12 में कितने चर होंगे, और आंकड़ों इतना दिया हुआ है, तो माध्यक इसका क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधित हीरोन का सूत्र लिखना है, जो हीरोन का सूत्र होता है ना उसको आपको लिखना है। किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो चलिए इनका आंसर हम लोग बताते हैं। पहले में शांत या अशांत आवृत्ति हो जाएगा, दूसरे में रैखिक बहुपद, तीसरे में 2, 5वें में 5, ठीक है, 6ठे में ये वाला हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में 2 न्यून कोण, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं सत्य सत्य भी आपको देख लेना है। x = 0 और y अक्ष का समीकरण है, और ऋजु कोण की माप 360 डिग्री होती है। किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक 1, 1 होते हैं।
केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो इसको भी आपको देख लेना। उसके बाद में परिमेय संख्या क्या है, और 7वें नंबर पे देख लेना क्वेश्चन, और 8वें नंबर 9वें नंबर, ठीक है। तीन क्वेश्चंस को आप फटाफट स्क्रीनशॉट मार लीजिए और पूरे क्वेश्चंस को कर डालिए, लिख लीजिए, ठीक है, कहीं पर। 5वें नंबर 9वें नंबर 10वें नंबर को देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 11 नंबर पे, बिंदु और समीकरण, ठीक है। बिंदु इतना है, समीकरण इतना है, तो इसका हल करना है, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर पे, 13 नंबर पे देख लीजिए, परिभाषित करना है समांतर रेखाएँ को, ठीक है। उसके बाद में दिए गए आकृति आकृति जो आकृति दी गई है इसको कर लीजिएगा। आकृति यहाँ पे दी गई है, ठीक है, इसको आपको करना है। तो इसका आपको बताना है, मतलब सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस और त्रिभुज पी क्यू एस और, ठीक है, नहीं, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ठीक है। तो इसको मतलब सिद्ध करना है, मतलब ए इसको सिद्ध करना है, इसको इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको भी आपको कर लेना है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है, तो ये भी इजी ही है, मान लो इसका, ठीक है। तो देखो कैसे क्या होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 135 डिग्री है यहाँ पे, 135 है, तो 180 में घटा दो। 135 में 180 घटाओगे, शायद मेरे ख्याल से 45 बचेगा, ठीक है। तो 45 इसका मान हो जाएगा, इसका मान 45 हो जाएगा। फिर उसके बाद बचा 110, 110 है ना, 110 में 180 घटा दोगे 70, इसका 70, 70 70 प्लस 45, ठीक है, 70 प्लस 45 को जोड़ दो, ठीक है। फिर उसके बाद 115 हो जाएगा, 115 में 180 घटा दो, ठीक है, 180 घटा दोगे 15 में, जित मेरे ख्याल से शायद 65 बचेगा, ठीक है। तो ठीक है, इसका आपका इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों के कोण तो मिल गए समान समान, ठीक है। देखो दोनों के तो आंसर मिल गए आपके, जो उसका क्या बोलते हैं आपका, एक सेकेंड मैं आपको बता दे रहा हूँ, हाँ, एरा, ठीक है। देखो इसका तो आपका 135 था, तो 135 में इसका 45 बचा था, ठीक है, और इसका 70 था, इसका भी मान हो गया और इसका भी, और दोनों को जोड़ के इसको इसको घटा दो, फिर आंसर आ जाएगा आपका, और राइट आंसर, ठीक है। मैं आपको बता दिया शॉर्टकट में, आपको वीडियो वगैरह देख लेनी है, इसका सॉल्व भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और 16 नंबर 17 नंबर पे देख लीजिए, और नेक्स्ट वाली वीडियो में ना मैं आपको पूरा सॉल्यूशन भी इनका बताऊंगा। अभी आप लोग क्वेश्चंस को देख लीजिए, 17 18, ठीक है, 20 21, ठीक है, सब कुछ पूरे क्वेश्चंस को कर डालिए, स्क्रीन शॉट मार डालिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सॉल्यूशन के साथ में। कमेंट करके पार्ट 2 जरूर से बताइएगा, कमेंट करिए पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 वाली वीडियो आ जाएगी आप लोगों के सामने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। अपने दोस्तों के साथ